सुभाष पांडे क्लास 10 साइंस के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है हम लोग लाइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने लाइट्स का इंट्रोडक्शन दिया था। इंट्रोडक्शन का दो वीडियो है, उन दोनों वीडियो में हमने कोशिश किया है कि लाइट से रिलेटेड जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, लाइट कहाँ से आती है और लाइट कहाँ किसका पार्ट है, वो सारी कुछ बताने की कोशिश किया है। इस वीडियो में हम उस भी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि रेज क्या होता है। रे जिसको हिंदी में हम किरण कहते हैं। तो लाइट जिस रास्ते से ट्रेवल करती है, लाइट है तो उसको ट्रेवल करने के लिए किसी न किसी रास्ते की आवश्यकता होगी। तो लाइट जिस रास्ते से ट्रेवल करती है उस रास्ते के डायरेक्शन को ही हम लोग रे कहते हैं। यानी आराम से सिंपल वर्ड में बोले हम बोल सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ पाथ इन विच लाइट इज ट्रेवलिंग इज कॉल्ड रे। लाइट जिस रास्ते से चलती है उस रास्ते के डायरेक्शन को ही हम लोग रे कहते हैं। ध्यान दीजिए जो भी डिफिनेशंस हम बोलेंगे उसको यहाँ मैं नोट डाउन कर लूंगा, लास्ट में नोट डाउन कर दूंगा, जिसको आप लोग अपने कॉपी पर लिख करके नोट्स तैयार कर सकते हैं, जिसके लिए आपको आगे काफी फायदा मिलेगा। तो ये रे की डिफिनेशन समझ में आ गई होगी। रे को यदि हमको डिनोट करना होता है तो रे को हम एरो कुछ ऐसा डिनोट करते हैं। ध्यान दीजिए जब भी पूरे फिजिक्स में आप लाइट पढ़ रहे हैं और रे वर्ड आया उस रे को यदि सिर्फ आप ऐसे डिनोट कर दिए तो गलत हो जाएगा। रे को डिनोट करने के लिए यहाँ पर एरो लगा जरूरी है। यदि एरो नहीं लगा होगा तो यह लाइट का डायरेक्शन नहीं बता सकता। अब आगे बात करते हैं हम लोग बीम की। बीम जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं किरण पुंज। तो किरण पुंज की बात करें तो किरण पुंज क्या होता है? द ग्रुप ऑफ रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम। यानी जो किरणों का समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? किरण पुंज। तो द ग्रुप ऑफ रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम। समझ आया? बीम के देखिए अब बात यह है कि बीम के टाइप भी होते हैं। बीम के कितने टाइप होते हैं? तो बीम के थ्री टाइप होते हैं। बीम के थ्री टाइप होते हैं। थ्री टाइप कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से बीम होती है? तो यदि मैं बात करूं टाइप के, जिसका जो पहला टाइप होता है वो होता है कन्वर्जेंट बीम। बोलते हैं क्या इसको? कन्वर्जेंट बीम। दूसरा होता है डाइवर्जेंट बीम और तीसरा होता है पैरेलल बीम। ये तीन टाइप्स के बीम होते हैं। हिंदी की बात करें तो कन्वर्जेंट को बोलते हैं अभिसारी, डाइवर्जेंट को बोलते हैं अपसारी और पैरेलल को बोलते हैं समांतर। तो अभिसारी रेस क्या होती है देखिए, इसको हम बोलते हैं अभिसारी, इसको बोलते हैं अपसारी और इसको बोलते हैं समांतर। ये तीन टाइप के बीम होते हैं, किरण पुंज होते हैं। तो अभिसारी, अभिसारी मान लीजिए यदि कोई सरफेस है, यहां प्लेन सरफेस है और यहां पर रेज एक बिंदु पर आके मिल रही है, रेज जो है एक बिंदु पर आके मिल रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रेज अभी एक बिंदु पर आके मिली है, इस टाइप्स के रेज को बोलते, इस टाइप्स के बीम को बोलते हैं हम लोग कन्वर्जेंट बीम। ओके क्लियर। अभिसारी देखिए कंफ्यूजन होगा तो हिंदी में बता देता हूं। अभिसारी, अभिसारी का मतलब ऐसा है कि अभी अभी आई है, अभी अभी आई है, उस तरह हम बोल सकते हैं कि अभिसारी बीम यानी अभिसारी किरण पुंज। उसके बाद है डाइवर्जेंट। तो डाइवर्जेंट क्या होगा कि एक बिंदु से दूर जाती हुई लगेगा, ऐसा प्रतीत होगा कि जो लाइट रेज है एक बिंदु से क्या हो रही है, दूर जा रही है, उसी का उल्टा। अभिसारी में क्या हुआ था, एक बिंदु पर आके मिल रही थी। अपसारी में क्या होगा, किसी एक बिंदु से जो लाइट जो रेज होंगी वह दूर जाती हुई प्रतीत होंगी, उसको बोलेंगे हम क्या, डाइवर्जेंट। मे बी कन्वर्जेंट भी समझ में आया होगा और डाइवर्जेंट भी समझ में आया होगा। अब बात है पैरेलल यानी समांतर। तो पैरेलल में क्या होता है, तो जो रेज है, जो लाइट की रेज है यदि वो एक दूसरे के पैरेलल ट्रेवल करती है तो
इस टाइप के रेज के कलेक्शन को ही हम बोलते हैं आपका पैरेलल बीम। ये थ्री बीम होते हैं टाइप ऑफ बीम। हम इसका डिफिनेशन भी लिखवाएंगे, डोंट वरी, आप उसका टेंशन ना लें, हम हर एक डिफिनेशन यहाँ बोर्ड पे नोट डाउन कर देंगे, आप उसको लिख करके समझ याद कर लीजिएगा, पहले समझ लीजिए। तो रेंज समझे, बीम समझे, बीम के टाइप समझे, इतने के डिफिनेशन मैं आपको लिख देता हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए ये डिफिनेशन हमने लिख दिया है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। रेज की डिफिनेशन यहाँ पे है, रेज की डिफिनेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में है। बीम की डिफिनेशन है हिंदी में है, इंग्लिश में है, हिंदी में लिख सकते हैं आप कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। यहाँ टाइप ऑफ बीम हमने लिखा, थ्री टाइप ऑफ बीम होते हैं। फर्स्ट हमने लिखा कन्वर्जेंट बीम यानी अभिसारी किरण पुंज, डिफिनेशन भी लिख दिया इसका क्या कि when the rays of light meet at a point coming from different directions, then the collection of such rays is called the convergent rays. इसका मतलब ये है कि हिंदी वाले लिख लेंगे, जब प्रकाश की किरण अलग अलग दिशाओं से आकर किसी सतह पर एक बिंदु पर मिलती हैं, तो इस प्रकार की किरणों को अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं और दो डिफिनेशंस हैं, डाइवर्जेंट बीम यानी अपसारी और समांतर किरण पुंज की, उस डिफिनेशंस की बात करते हैं, इस डिफिनेशंस को नोट कर लीजिए। ये डिफिनेशंस है डाइवर्जेंट बीम यानी अपसारी किरण पुंज का, और ये है पैरेलल बीम यानी समांतर किरण पुंज का। तो अपसारी किरण पुंज मतलब हमने बताया कि एक बिंदु से दूर जाते हुए प्रतीत होंगे। यदि हिंदी वाले लिखेंगे इसको तो लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु से दूर जाती हुई प्रतीत होती है, तो इस प्रकार की किरणों के समूह को अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। समांतर किरण पुंज के लिए तो समांतर किरण पुंज के लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर आगे बढ़ती हैं, इस प्रकार के किरणों के समूह को समांतर किरण पुंज कहा जाता है। बाकी इंग्लिश वालों के लिए आपका लिखा हुआ है When the rays of light start from a point, किसी एक बिंदु से स्टार्ट होती है एंड ट्रेवल इन वेरियस डायरेक्शन, और अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। जैसे कि मतलब यहाँ पॉइंट से स्टार्ट हुआ और यहां से दूर जा रहे हैं, ये क्या है आपका डाइवर्जेंट यानी अपसारी। समांतर की बात कर रहे हैं, इसमें जो किरणें होती हैं वो एक दूसरे के समांतर ट्रेवल करती हैं। तो इस प्रकार की जो किरण होती हैं, जो रेज होती हैं, उसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल बीम। मे बी डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। आइए आगे बात करते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन की, जिसका आपका बेसब्री से इंतजार था और आपके लेसन में काफी डीपली दिया हुआ है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। आइए तो बात करते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन की। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए रिफ्लेक्शन क्या होता है, यदि कोई दो मीडियम है, मान लीजिए दो मीडियम, एक मीडियम यहां हमने बाउंड्री बना दिया, ठीक है, यह आपका क्या है बाउंड्री, यह बाउंड्री है, ठीक, यह बाउंड्री है, दो मीडियम है। यदि किसी भी एक मीडियम से लाइट आ रही है, मान लीजिए ऊपर वाली मीडियम से लाइट आ रही है, और दूसरे मीडियम के बाउंड्री यानी पहले मीडियम और दूसरे मीडियम, पहले मीडियम और दूसरे मीडियम की बाउंड्री से लाइट टकराई और टकरा कर उसी बाउंड्री से फिर उसी मीडियम में रिटर्न हो गए। मतलब क्या कि जब दो मीडियम के बाउंड्री से लाइट टकरा कर पुनः उसी मीडियम में वापस लौट जाती है जिस मीडियम से वो आ रही थी, यहां पर लाइट डायरेक्ट नहीं कहेंगे क्योंकि अभी हम सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शंस की बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर वेव कहेंगे, वेव कह सकते हैं तरंग, यानी किसी दो माध्यमों के सीमा से यानी बाउंड्री पर तरंग वेव टकरा कर फिर उसी मीडियम में वापस लौट जाती है जिस मीडियम से वेव
आ रही थी। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। यहां पर दो चीज मोस्ट है, दो बाउंड्री और उन दोनों बाउंड्री का एक, दो मीडियम और उन दोनों मीडियम का एक बाउंड्री, वही बाउंड्री, वही बाउंड्री रिफ्लेक्शन बताएगा। बाउंड्री से वेव टकराकर फिर उसी मीडियम में क्या हो गई, लौट गई, जिसे बोलेंगे हम लोग रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी वेव आती है किसी मीडियम के बाउंड्री से टकराती है और उसी मीडियम में फिर वापस लौट जाती है, तो इसे कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन यदि हम लाइट के ऊपर पढ़े रिफ्लेक्शन की डिफिनेशन, तो हम ये बोल सकते हैं कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइक ऑन ए स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। भाई लाइट लौट जाएगी तो लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, यदि साउंड आता और साउंड टकराकर लौट जाता तो साउंड का रिफ्लेक्शन होता, यदि वाटर आता, वाटर टकराता इस बाउंड्री से फिर लौट जाता उसी मीडियम में, ध्यान दीजिए उसी मीडियम में, सेम मीडियम में, मीडियम सेम है तभी हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो हम उसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोल सकते हैं। मे बी रिफ्लेक्शन समझ में आ गया होगा कि यदि लाइट की रिफ्लेक्शन की डिफिनेशन पढ़ें तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, साउंड की पढ़ें तो बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड, ठीक है इस तरह। तो रिफ्लेक्शन की डिफिनेशन क्या होगी, जब रिफ्लेक्शन की डिफिनेशन देंगे तो वहां पर ओनली और ओनली वेव होगा, और साउंड और लाइट की रिफ्लेक्शन की डिफिनेशन देंगे तो वहां पर साउंड और लाइट आएगा। हम डिफिनेशन को लिख देंगे, आप लोग नोट डाउन कर दीजिएगा, बस समझिए फिलहाल। तो यहां पर रिफ्लेक्शन हो, अब रिफ्लेक्शन में क्या है, कई चीजें हैं। जब लाइट आ रही है और लाइट जा रही है तो आने वाली लाइट को क्या कहते हैं और लौट के जाने वाली लाइट को क्या कहते हैं, यहां पर ध्यान दीजिए। तो जो लाइट आती है उसे बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रेज, क्या बोलते हैं इंसिडेंट रेज। यहां पर जो लाइट ये आ रही है इसे बोलेंगे हम लोग इंसिडेंट रेज, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आपका आपतित किरण। जो आ रही है वो आपतित किरण, जो लौट गई टकराने के बाद जो लौट गई उसको बोलेंगे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे, यानी परावर्तित किरण। परावर्तित किरण ये दो किरण होती है, उसके बाद बीचों बीच में एक पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे लाइट आती है उसी पॉइंट से लाइट लौट जाती है, वही सेम पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे आती है उसी पॉइंट से लाइट लौट जाती है। यदि इस पॉइंट को मैं एक यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर दूं, यदि इस लाइन पे मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दूं, इस परपेंडिकुलर को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। जो परपेंडिकुलर ड्रा हो रहा है आपका इसे क्या बोलते हैं हम लोग नॉर्मल। ये आपका हो गया इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड, इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल, यानी हिंदी बोलेंगे अभिलंब। अभिलंब ये तीन आपको चीजें समझनी है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, बीच वाला हो गया आपका नॉर्मल। अब बात यह कि रिफ्लेक्शन का लॉ होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में जानेंगे, तो हम पहले आपको रिफ्लेक्शन की डिफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ देखेंगे। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है समझते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यह कहता है कि यदि रेज आ रही है और किसी सरफेस से टकरा रही है, देखिए मान लीजिए हमने कोई ये सरफेस बनाया, यदि ऐसे किया हुआ है मतलब समझिए कोटेड सरफेस है, नीचे से उसको कोटेड यानी कलाई किया हुआ है, यदि कोई रेव आती है और यहां टकराने के बाद वापस लौट जाती है, देखिए ऐसे बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, यहां पर हम इसको यहां पर रेव जरूर दिखाएंगे,
बीच में क्या आपका है, नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है और ये आपका क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, पहले देख लीजिए, पहले एक टॉपिक समझ लीजिए, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच एक एंगल बनता है, इस एंगल को बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट एंगल, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक एंगल बनता है जिसे बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्ट एंगल, ठीक है, इसे बोलते हैं आपतन कोण, इसे बोलते हैं परावर्तन कोण। डिफिनेशन पूछता है, आपतन कोण किसे कहते हैं, इंसिडेंट एंगल किसे कहते हैं और रिफ्लेक्टेड एंगल किसे कहते हैं। तो जो इंसिडेंट एंगल है वह किसके किसके बीच बन रहा है, यह इंसिडेंट एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बन रहा है, रिफ्लेक्टेड एंगल यानी परावर्तन कोण किसके किसके बीच बन रहा है, तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड एंगल के बीच बन रहा है, रिफ्लेक्टेड रे के बीच बन रहा है, बीच का पार्ट क्या है, नॉर्मल। तीन चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है कि जो यह रेस आ रही है और जो रेस यह लौट जा रही है और जो नॉर्मल है, तीनों एक ही पॉइंट पे होते हैं, इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट को क्या कहते हैं बताइए, तो इस पॉइंट को कहते हैं हम लोग आपतन बिंदु, यानी हम बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंट पॉइंट, ठीक है, सॉरी इंसिडेंस पॉइंट, आपतन बिंदु, मैं भी समझ में आ रहा होगा, ये पॉइंट है। तो फर्स्ट लॉ कहता है कि ना इंसिडेंट रेस, रिफ्लेक्टेड रेस एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन सेम प्लेन, ये तीनों एक ही बिंदु पे, एक ही प्लेन पे होती है। प्लेन का मतलब, बाउंड्री का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए एयर है और हमने एक गिलास पानी रख दिया, ये सब वाटर है, ऊपर एयर है, रेज यदि आएगी तो इस वाटर के जो यह बाउंड्री है, यह जो मेन सरफेस, सबसे ऊपर का जो सरफेस है, यही क्या आपका है, बाउंड्री। नहीं, दूसरा मीडियम यहां से स्टार्ट होता है, पहला मीडियम यहां पे है, यदि कोई रेज आएगी तो यहीं से लौट जाती है, तो ये इंसिडेंट रेज हो गया, यह रिफ्लेक्टेड रेज हो गया, और ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा आपका, इंसिडेंट पॉइंट कहलाएगा। एक बार एक लोग ने पूछ दिया कि बताइए यदि आपतन बिंदु यह है तो परावर्तन बिंदु कहाँ है, यदि कोई आपसे पूछ दे कि बताइए यदि यह आपतन बिंदु है तो परावर्तन बिंदु कहाँ है, मतलब यदि इंसिडेंस पॉइंट है तो बताइए रिफ्लेक्टेड पॉइंट कहाँ है, तो जहां इंसिडेंट पॉइंट है वही क्या है आपका, रिफ्लेक्टेड पॉइंट है, क्योंकि रेज वहीं पर आ रही है और वहीं से फिर बैक हो जा रही है, इसी पॉइंट को दोनों ही नाम देंगे। दूसरी चीज, जितना दूसरा रेज क्या कहता है, पहला नियम समझ में आ गया होगा कि तीनों एक ही बिंदु से होते हैं, दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है कि जो एंगल यह है, एंगल आई, वही एंगल आर होता है, यानी जो आपतन कोण है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है, यह आपका परावर्तन का दो नियम होता है। अब क्वेश्चंस क्या है, दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब कि जो इंसिडेंट एंगल होगा वह रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि यदि यह 30 अंश का है, 30 डिग्री का है, तो यह भी क्या होगा, 30 डिग्री का। क्वेश्चन पूछ देगा कि यदि यह एंगल 60 डिग्री का है तो बताइए यह एंगल कितने का होगा, यह क्वेश्चन पूछ दे, यदि एंगल आर इज 60 डिग्री देन इस एंगल का वैल्यू बताइए, तो आप नॉर्मल क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं, जैसा कि पता है कि यदि नॉर्मल परपेंडिकुलर है तो टोटल कितना होगा, 90 डिग्री, टोटल 90 डिग्री होगा, तो यह 60 थी, यह कितना हो जाएगा, 30, यह 60 है, ठीक है, तो यह भी कितना हो जाएगा,
60 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल होता है, और यह 60 कितना हो जाएगा 30। ऐसे आप यदि कोई भी एंगल का वैल्यू दिया है तब अन्य सारे सभी एंगल की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप किसी भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके से आप हर कॉन्सेप्ट को यहां पर मेरी समझ गए होंगे। यदि एंगल कोई, मान लीजिए एंगल, यह वाला एंगल दिया होता 45 डिग्री, और आपसे पूछता कि बताइए यह वाला एंगल कितना है, एंगल आई कितना है, तो एंगल आई पूछता, एंगल आई मींस क्या, इंसिडेंस एंगल, तो हम इसको क्या लिखते हैं, यह 45 दे भी 45, यह 45 दे भी क्या हो जाएगा 45, यह आपका आंसर हो जाएगा। तो कोई भी एक वैल्यू दिया है तो आप बाकी की सारी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से। मे बी रिफ्लेक्शन, आप रिफ्लेक्शन समझ में आया होगा, इसकी डिफिनेशन को मैं राइट डाउन कर दे रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा। यदि कोई क्वेश्चन या नहीं समझ में आया होगा तो आप नीचे कमेंट भी दीजिएगा, मैं अगले वीडियो में फिर उसको पूर्ण समझा दूंगा। यहाँ हमने रिफ्लेक्शन का डिफिनेशन लिख दिया है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ वे एट ए बाउंड्री बिटवीन टू डिफरेंट मीडिया, किसी दो अलग अलग मीडिया है या फिर मीडियम है उसमें से उसका जो है डायरेक्शन चेंज हो जाता है किसका, वेव का, सो दैट द वेव मूव बैक इनटू द मीडियम केम फ्रॉम, और टकराने के बाद उसी मीडियम में क्या हो जाती है, बैक हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन। दो अलग अलग माध्यम के सीमा पर तरंग का टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाना जिस माध्यम से आई थी ही परावर्तन कहलाता है। ये इसका फिगर, इसको बना लीजिएगा। चलते हैं आगे, देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने लिख दिया है, जिसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नियम को हमने समझा दिया है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिगर बना लीजिएगा। ओके, आशा करता हूँ यहाँ तक चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। आगे थोड़ा सा एक टॉपिक और देख लेते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, दो टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं, एक होते हैं आपके रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होते हैं आपके डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं नियमित परावर्तन, और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को बोलते हैं, डिफ्यूज को बोलते हैं अनियमित, ठीक, ऐसा बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि विसरित परावर्तन, ठीक। तो नॉर्थ सिंपल समझ लेते हैं होता क्या है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जो आपका सरफेस होगा एकदम प्लेन होगा, सरफेस आपका प्लेन होगा, इसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसमें क्या होगा, आपका जो प्लेन होगा एकदम सरफेस होगा, तो जो भी लाइट आएगी ऐसे पैरेलल लाइट आएगी, और रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल ही आपका दूसरी डायरेक्शन में चली जाएगी, ये रेगुलर में होता है। अरे डिफ्यूज में क्या होता है कि जो आपका सरफेस होता है वह पैरेलल नहीं होता है, ठीक है, इसमें जो लाइट आती है वह डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मुड़ जाती है, ऐसे ऐसे अलग अलग डायरेक्शन क्या करेगी, मुड़ जाएगी। यह पैरेलल, जिस यदि पैरेलल आ रही है तो उसका जो रिफ्लेक्टेड होगा, रिफ्लेक्शन होगा, वह पैरेलल नहीं होगा, अलग अलग डायरेक्शन में होगा। तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, और इस टाइप के रिफ्लेक्शन को बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ये टू टाइप्स के रिफ्लेक्शन होते हैं, इसकी डिफिनेशन लिख देते हैं टाइप ऑफ रिफ्लेक्शंस की, उसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यहां हमने टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन लिख दिया है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शंस को हम हिंदी में बोलते हैं नियमित परावर्तन। तो जब प्रकाश की किरण किसी समतल तथा चिकनी सतह से परावर्तित होती हैं
तो इस प्रकार के परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे, नियमित परावर्तन में परावर्तन के पश्चात जो किरणें हैं वह एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं। अनियमित परावर्तन, जब प्रकाश की किरण का परावर्तन रफ सरफेस यानी खुरदरे पृष्ठ से होता है, तो इस प्रकार के परावर्तन को हम अनियमित या फिर विसरित परावर्तन कहते हैं। विसरित परावर्तन में परावर्तित किरण एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं। नियमित परावर्तन में होती हैं, अनियमित में नहीं होती हैं। आशा करता हूं ये परिभाषा डिफिनेशंस आपको समझ में आई होगी। हमारी पूरी कोशिश है कि हिंदी में भी लिखें और इंग्लिश में भी लिखें, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो यहां पर एक डिफिनेशन छूट गई है, रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट की डिफिनेशन छूट गई, जिसको मैं लास्ट में लिख दे रहा हूं, आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बीच में ही लिख लीजिएगा। तो ये समझ में आ गया होगा, आइए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डिफिनेशन लिख देते हैं, आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये डिफिनेशन है, बीच में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डिफिनेशन छूट गया था, जिसको हमने यहाँ लिख दिया है, आप उसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। समझा दिए थे डिफिनेशन लिखना, उसको भूल गए थे। यहाँ पर लास्ट में हमने क्वेश्चन दिया है, व्हाट हैपेंड व्हेन ए रे ऑफ लाइट फॉल नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ मिरर। क्योंकि मिरर पढ़ाए नहीं है अभी हम, फिर भी हमने क्वेश्चन दे दिया है, क्या होगा यदि कोई लाइट नॉर्मली मतलब जो नॉर्मल है सीधे उसी से लाइट यदि किसी मिरर पर आएगी तो क्या होगा, इसके बारे में आप लोग आंसर सर्च कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा। तब तक मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे मनोबल को और बढ़ाएं, ताकि हम आगे और अच्छे से आपके लिए टॉपिक तैयार करके आए और आपको अच्छे से समझा सके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।